भारतीय संस्कृति और परंपराओं में हर छोटी बड़ी चीज़ का खास महत्व होता है। यहाँ तक कि झाड़ू जैसी साधारण वस्तु को भी शुभ और अशुभ समूह के अनुसार खरीदने की मान्यता है। झाड़ू को घर की साफ सफाई और समृद्धि से जोड़ा जाता है और इसे सही समय पर खरीदना और उपयोग करना घर की खुशहाली और धन संपत्ति से संबंधित माना जाता है। मान्यता है कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और यदि इसे गलत दिन खरीदा जाए तो इससे घर की सुख समृद्धि और भाग्य लक्ष्मी नाराज हो सकती है। धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से देखा जाए तो सप्ताह के कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि शनिवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदने से धन की हानि हो सकती है और परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप लोग जैसे कि जीवन में झाड़ू है या कोई भी कुछ सामग्री ऐसी होती है जो दिन के अनुसार खरीदना शुभ होता है, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन खरीदने से आपके घर में दरिद्रता साथ में आती है। जैसे हम लोग झाड़ू खरीदते हैं, दीपावली धनतेरस में खरीदते हैं तो शुभ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे ही और भी किसी भी दिन झाड़ू खरीदा जा सकता है, जिसमें से विशेष रूप से सोमवार और शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को लोहा और तेल खरीदना भी शनि का दुष्प्रभाव होता है। इसलिए शनिवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में और शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी का आगमन होता है तो लक्ष्मी नहीं आती है, तो इसलिए शाम के टाइम पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और शनिवार और सोमवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए जिस शुक्रवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदना शुभ माना गया। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।